देर इज़ सम कॉल फर्म प्लान फर्म प्लान बेसिकली क्या है कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है ठीक है ऑपरेशन मैनेजर जो है या प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो नहीं चाहता कि उसका जो प्लान है उसके अंदर कोई चेंजेस आए क्योंकि जो अगर उसके अंदर चेंजेस फ्रीकुंट चेंजेस आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मटेरियल अरेंज करना जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रही होती है उसको किस तरह कंप्लीट किया जाएगा कब कंप्लीट किया जाएगा किसकी जगह इसको प्रोड्यूस किया जाए एंड सो ऑन देर आर सो मैनी इशूज़ और यूजली होता यही है कि जो सेल्स वाले लोग हैं और जो प्रोडक्शन वाले हैं उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट इसी बेसिस के ऊपर आता है क्योंकि सेल्स फोर्स का कोई बहुत बड़ा कस्टमर होता है वो जल्दी में ऑर्डर प्लेस करता है और वो पुश करते हैं प्रोडक्शन वालों को कि जी आप इसको पहले प्रोड्यूस करें दूसरे को पीछे छोड़ दें तो उसके अंदर फिर कन्फ्लिक्ट आती है और एक इशू खड़ा हो जाता है तो एम में एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस की है दैट इज फर्म प्लान ऑर्डर ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर फर्म प्लैंड ऑर्डर जो है जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जब ये फर्म प्लान ऑर्डर का आता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं लिया लाते आ, इसके अंदर चेंज लाने के लिए मैनेजेरियल डिसीजन की जरूरत होती है फॉर एग्जांपल जो मास्टर शेड्यूलर है वही चेंज कर सकता है और इसके अंदर प्रॉब्ली जनरल मैनेजर मार्केटिंग और जनरल मैनेजर प्रोडक्शन इनके दरमियान निगोसिएशन होगी इश्यूज़ होंगे डिस्कस होंगे ओनली देन अगर उनकी तरफ से इशारा मिले तो फिर ही वो चेंज होगा तो उसके अंदर बहुत सख्त उसका रखा जाता है उसको अंदर जो फर्म प्लान ऑर्डर्स वाली जो वीक्स हैं उसके अंदर फिर ऑर्डर्स uh, का जो प्रोडक्शन प्लान है उसको चेंज नहीं किया जाता उसके बाद वालों के अंदर यस yes, चेंज किया जा सकता है तो उसके अंदर ये एक किस्म की uh, ट्प्ररी ओवर राइडिंग है जो कि सिस्टम के ऊपर की जाती है सो so दैट ये इसके अंदर स्टेबिलिटी रहे प्रोडक्शन के अंदर ये होता कैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ये हम पहले भी इसको देखा हुआ है प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस होना है अब इसके बेसिस के ऊपर हमने बाकी एम आर पी रिकॉर्ड डिवेलप करना है इसके अंदर इसको हमने पहले तो ले आए हैं लो लेवल कोडिंग ये सी वन एंड सी टू ए की लेवल के ऊपर ले आए हैं अब इसके अंदर हमने इसका जो वाई असम्बली है उसको हमने देखना है कि उसका हमने किस तरह उसके अंदर फर्म प्लान ऑर्डर्स लेकर आते हैं इसके अंदर ये हमारे क्योंकि एक सब असम्बली वाई चाहिए फॉर ईच ए तो वो हम जितनी रिक्वायरमेंट ए की है प्रोडक्शन की ट्वेंटी यूनिट्स हैं इन सेकेंड वीक तो Why के ट्वेंटी यूनिट्स अवेलेबल होने चाहिए सेकेंड वीक में इसी तरह थर्ड वीक में थर्टी फाइव की रिक्वायरमेंट है तो थर्टी फाइव अवेलेबल होने चाहिए फोर्थ में फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट है तो फिफ्टीन होने चाहिए एंड फिफ्थ में थर्टी की रिक्वायरमेंट है तो थर्टी अवेलेबल होने चाहिए अब हमारे पास जो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस था बिगनिंग बैलेंस वो टेन यूनिट्स का था जो कि दिस इज द बिगनिंग इनवेंट्री लीड टाइम जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स से हमारे पास आया है दैट इज़ वन पीरियड का लीड टाइम है प्रोडक्शन जो है वो जब भी होगी वो ट्वेंटी यूनिट्स की होगी और देर इज़ नो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड अब इस बेसिस के ऊपर जब हमने किया तो फर्स्ट वीक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जो ट्वेंटी यूनिट्स थे वो एंडिंग इन्वेंट्री फर्स्ट वीक के बन गए सेकेंड वीक के अंदर ट्वेंटी की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमारे पास टेन है तो माइनस ट्वेंटी टेन हो रहे थे तो हमने कहा कि हमें मटीरियल चाहिए सेकेंड वीक में तो वो हमने कर लिया और उसका ऑर्डर एक वीक पहले प्लेस कर दिया क्योंकि लेट टाइम वन वीक का है इसी तरह फोर्टी वीक फोर्टी यूनिट्स का ऑर्डर हमने रिसीव हमने कहा कि हमें चाहिए थर्ड वीक में तो उसका ऑर्डर हमने सेकंड वीक में प्लेस कर दिया देन इसी बेसिस के ऊपर फिफ्थ वीक में हमें चाहिए फोर्टी यूनिट्स का तो हमने फोर्थ वीक में इधर प्लेस कर दिया अच्छा अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ लॉट साइज़ ट्वेंटी है बट हम फोर्टी का प्लेस कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि एम के अंदर यूजली हम ये करते हैं कि लॉट साइज़ जो हम प्रोडक्शन जब कर रहे होते हैं तो एक लॉट अगर ट्वेंटी के और इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आ गई तो हम मल्टीपल ऑफ साइज करते हैं एक लॉट की जगह दो लॉट्स एक साथ करते हैं तो दैट मीन के फोर्टी का हम ऑर्डर करेंगे या तीन लॉट्स करेंगे तो सिक्सटी का ऑर्डर करेंगे तो हम लॉट्स के हिसाब से चलते हैं प्रोडक्शन के अंदर तो ये हमने प्रोडक्शन के हिसाब से उसको ये हमने ऑर्डर कर दिया अब इसके अंदर हमने जो फेंस है इसको हम फेंसिंग भी कहते हैं ये फेंस जो हमने लगाई है ये थर्ड ऑर्डर पर लगाइए बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर दैट मीन्स कि इससे पहले जो ऑर्डर हैं जो प्लेस हुए हैं ट्वेंटी और फोर्टी के इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता सिर्फ चेंज आएगा और अगर करना है तो सिस्टम के थ्रू हम उसके फेंस के बाद जो ऑर्डर्स हैं उसी में सिर्फ चेंज कर सकते हैं इसके चेंज के लिए वी नीड सम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और उस बेसिस सिस्टम पे अपने तौर पर नहीं कर सकेगा तो ये इसकी ये ये इसका फायदा है फेंसिंग का लेट्स लुक एट अनदर वन इसके अंदर के जब सी वन जो था वो बेसिकली हमने ए, 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 ए से और वाई से ड्रॉ हो रहा है तो ए के अंदर जो है वो दो सी वन लग रहे हैं जबकि वाई में सिर्फ एक सी वन लगता है हर वाई में तो उसके बेसिस के ऊपर जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है वो हमने डिटरमिन की फ्रॉम वाई एंड प्रोडक्ट ए तो उसके हिसाब से हमारे ये वाई फर्स्ट वीक में ट्वेंटी की थी तो उसके लिए सी वन आ गए फोर्टी वाई और ट्वेंटी ए बनने हैं 20 मल्टीप्लाई बाई टू इज 40 प्लस फोर्टी वी गेट 80 C1 की रिक्वायरमेंट ग्रॉस रिक्वायरमेंट इसी तरह थर्ड वीक में सिर्फ ए के लिए चाहिए 70 तो 70 आ गए फोर्थ वीक में ए के लिए 30 चाहिए और वाई के लिए 40 चाहिए तो वो 30 प्लस फोर्टी इज 70 वो क्यों 30 चाहिए क्योंकि हर ए के लिए दो हमें C1 चाहिए और इसी तरह फिफ्थ वीक में 30 एज प्रोड्यूस होने हैं तो उसके लिए हमें 60 C1 चाहिए इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी फेंस है थर्ड वीक के बाद फेंस है तो इसका मतलब थर्ड वीक से पहले जितने भी ऑर्डर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो सकते इवन हमारा जो ये ऑर्डर है जिसके प्लैंड रिसीट जो है वो फोर्थ वीक में आफ्टर द फेंस बट क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस हो गया है तो इसके अंदर भी चेंज नहीं आ सकता ये फेंस से पहले ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसके अंदर हम इसको जब जो फेंस से पहले ऑर्डर्स हैं प्लेस होते हैं उनको हम कहते हैं फर्म प्लैंड ऑर्डर्स और जो फर्म फेंस के बाद होते हैं उसको हम कहते हैं प्लैंड ऑर्डर रिलीज दैट इज़ द डिफ़रेंस बट बिटवीन फर्म प्लैंड ऑर्डर एंड प्लान ऑर्डर रिलीज और इस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है कि अगर इवन दो सेल्स फोर्स उनके पास कस्टमर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बेशक आए इधर वो चेंज नहीं होगा रीज़न यूज़ली होता ये है कि आपने इनके मटेरियल का आगे इंतज़ाम करना होता है तो अगर इसके अंदर चेंज करेंगे तो उसका इंतज़ाम जो लड़से इसके अंदर चार वीक पाँच वीक चाहिए उसके लिए अरेंज करने के लिए लेट टाइम का तो वो पाँच वीक आपके पास होंगे नहीं तो वो प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा फिर कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर इट विल बी डिफ़िकल्ट तो इसलिए ये फेंस लगाया जाता है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्डर चेंज ना किया जाए सिस्टम खुद ब खुद ना चेंज करे इसके लिए कोई अपर मैनेजमेंट की डिसीजन हो तभी जाकर इसको चेंज किया जाता है